तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार में जो इंटर का जो एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है और ये जो एडमिशन होगा, एडमिशन से जुड़ी आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप सभी को जानना जरूरी होता है कि जैसे कि इसमें कितना कॉलेज आप चूज कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितना चूज कर सकते हैं और ये कैसे इसमें क्या क्या जरूरत होता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, इसे सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। आपको ये हम नहीं बताएंगे कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन लेके प्रिंट आउट तक का जानकारी आपको नहीं देंगे, लेकिन इनमें से जो बेसिक जानकारी होता है जो आप सभी को जानना जरूरी होता है, वीडियो को लास्ट तक देख करके पूरी जानकारी आप जरूर समझ लें, क्योंकि अगर हो सकता है बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए वीडियो छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो मेरा नाम है नीरज मेहता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि अगरवी का एडमिशन यानी कि इंटर का एडमिशन जो आज से स्टार्ट हो चुका है और वो 22 जून से जो स्टार्ट होने वाला था और जो कि आज 22 जून है, तो इससे जुड़ी आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखना है जब आप भी अगरवी का जो है एडमिशन कराते हैं ऑनलाइन रूप से। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि इंटर का जो नामांकन आज से भरना स्टार्ट हो गया है और यहाँ अगरवी का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए जो है लगभग इतना जो है केंद्र को जो चिन्हित किया गया, यानी सरकार की तरफ से जो है 6165 केंद्र को चिन्हित किया गया, वसुधा केंद्र को, वहाँ से जाकर के आप जो है अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे क्या क्या करना है सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसे कि इस वाले सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड दसवीं करने वाले स्टूडेंट की भरना होगा 5 नंबर फॉर्म, यानी कि अगर 10वीं पास कर गए हैं, अगर इंटर में आप एडमिशन कराना है आपको, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपको जो है 5 नंबर वाला जो फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले सेक्शन में बताया गया है कि अगरवी में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मंगलवार को वेबसाइट www जो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसके साथ ही बोर्ड ने पिछले साल का कटअप भी जारी कर दिया गया। 7 राज्य के सभी +2 और कॉलेजों को अगरवी में एडमिशन प्रक्रिया जून 22 जून से जो है शुरू हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद अगले वाला ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि अगरवी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को 30 जून तक एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है। 22 से जो है इसका डेट रखा गया, 22 से 30 जून तक रखा गया, अब इसके बीच जो फॉर्म भर लेना है। अगर इसका डेट बढ़ता है तो आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सहज वसुधा केंद्र पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप जो ऑनलाइन सेंटर पर जाकर के अपना जो है आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि स्टूडेंट जो है बैठे घर बैठे जो अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं, आपका पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सारा जानकारी इसमें बताया गया है। इसके बाद बोर्ड ने जो है लगभग 6165 सहज वसुधा केंद्र को चिन्हित किया गया है, इसकी सूची भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर वो है, वहाँ पर आप सब जा करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया वसुधा केंद्र पर बिहार बोर्ड से 10वीं करने वाले स्टूडेंट को, अगर बिहार बोर्ड से कोई 10वीं का स्टूडेंट पास किया है तो उसको फॉर्म संख्या 5 भरना होगा, वही जैसे कि यहाँ पे बताया गया अगले वाला सेशन में। अगर कोई CBSE या अन्य बोर्ड से अगर 10वीं पास किया है तो उन सभी स्टूडेंट को फॉर्म संख्या 6 भरना होगा। अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपको जो है फॉर्म संख्या 5 भरना है, अगर CBSE या अन्य बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि फॉर्म संख्या 6 को भरना होगा। उसके बाद जो आगे बताया गया है भरेंगे, जैसे कि बताया गया वही जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर बिहार बोर्ड के जो है स्टूडेंट्स को जो है फॉर्म संख्या 7 व जो है CBSE के जो है 7 अन्य स्टूडेंट को फॉर्म जो है संख्या 8 भरना होगा, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इस वाले सेशन में बताया गया है कि इसके बाद जो स्टूडेंट अपना हस्ताक्षर करेंगे, आपको हस्ताक्षर का जो है करना है और सभी जानकारी जो है स्टूडेंट कैपिटल लेटर में जो आप भरेंगे, आप जो ये फॉर्म जो भरेंगे फॉर्म 5, 6, 7 और 8 जो भरेंगे आप कैपिटल लेटर में भरेंगे और उसमें हस्ताक्षर भी करना होगा। और ये हस्ताक्षर जैसे कि स्टूडेंट को एक रंगीन पासपोर्ट देना होगा, पासपोर्ट आकार का फोटो दे भी देना होगा। और इसके बाद वसुधा केंद्र पर जो ऑपरेटर पर जो यानी कि जो भी वहाँ पे वसुधा केंद्र जिसका भी है उसको ये जो फॉर्म जो डाउनलोड करेंगे, इसको प्रिंट आउट करके निकालेंगे, इसमें जो भी आपको पूछा जाएगा वो सारा चीज़ क्या करेंगे फिलअप करेंगे और वही फॉर्म ले जाके जो वहाँ पर देंगे, उस फॉर्म को देख करके जो है ऑनलाइन सेंटर पर जो भी होगा वो जो क्या करेंगे आपको फॉर्म को देख के आपका फॉर्म भरेंगे। और अंतिम में फॉर्म सबमिट करने से पहले जो है ना ऑपरेटर स्टूडेंट से जो है ना एक बार, जैसे कि अगर आप उस ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे, अगर पूरा सारा चीज़ कंप्लीट रूप से भर देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, तो जब वो सबमिट करेगा तो उससे एक जस्ट बार पहले कहा जाएगा कि आप जो स्टूडेंट को कहता है कि आप एक बार जो है अपना डिटेल को चेक कर लेंगे, कहीं स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको आप सुधार कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर से ज़्यादा जो आपको जो अपना डिटेल के बारे में आपको खुद को मालूम ज़्यादा होता है, इसलिए आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर सारा चीज़ सही होता है तो आवेदन के बाद जो है स्टूडेंट को मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को जो आपको देना होगा और उसके बाद जो है अंतिम रूप से यहाँ पे इस तरह से जो आपका
आवेदन हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। और अंतिम में जो यहाँ पे जैसे नीचे वाला सेक्शन में देख लेंगे, यहाँ पे आपको जो है 350 रुपया का चालान भी आपको देना होगा। ये था इसका जानकारी। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पे इसमें बताया गया कि एक मोबाइल व एक ईमेल से एक ही रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में 5 अगर स्टूडेंट है तो आपको आपको जो है 5 तरह का जो मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा और 5 तरह का ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा। आप एक ही मोबाइल नंबर या एक ही ईमेल आईडी से आप नहीं कर सकते, इसके लिए हर एक को आपको अलग अलग करना होगा। आवेदन जो है सफलतापूर्वक जमा करने के बाद जो है स्टूडेंट को यूजर आईडी और पासवर्ड जो है उनके द्वारा दर्ज कराए गए जो मोबाइल नंबर और ईमेल देंगे उन्हीं पे जो आपका आएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखना होगा आपको, ये आपको आगे चल के जो काम आने वाला है। स्टूडेंट को जो है ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी जो है अनिवार्य रूप से देना होगा। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। स्टूडेंट विभिन्न कॉलेजों यानी कि विद्यालयों का जो है जैसे कि यहाँ पे विकल्प सावधानीपूर्वक चुनेंगे, यानी कि आपको जो भी कॉलेज में आपका अप्लाई करेंगे उसको आप सावधानीपूर्वक चुनना है, क्योंकि OFSS के माध्यम से फॉर्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के बाद जो है वही सारे विकल्प अंतिम विकल्प माने जाएंगे। अगर एक बार आप सेलेक्ट कर देते हैं तो वो भी आपका अंतिम मान लिया जाएगा। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकता। जब आप एडमिशन करेंगे तो उस समय जो आप इसे बदल नहीं सकते, इसलिए आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसको आप सोच समझ के सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद अंतिम यहाँ बताया गया कि बोर्ड ने जो है आवेदन करने से पहले जो है प्रोस्पेक्ट्स के बेहतर जो तरीके को पढ़ने को कहा, यानी कि जो भी निर्देश होगा उसको पढ़ना है, जैसे कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना है, तो इसको कंप्लीट रूप से आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसकी पढ़ के देखिएगा तो बीच में हो सकता है जो जरूरी जानकारी था आप वो छोड़ देंगे। स्टूडेंट को जो है रजिस्ट्रेशन करते समय, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कम से कम 10 जो है और अधिक से अधिक 20 शिक्षण संस्थानों का चयन करेंगे, यानी कहने का मतलब जो आप चयन करेंगे सेलेक्ट करेंगे अपने जो विद्यालय यानी कि कॉलेजों का चयन जो करेंगे, कम से कम आपका 10 करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 करना है, यानी कि 10 से लेकर 20 तक का करना है। तो आप अपने अनुसार कर लेंगे, या 10 कर लेंगे या 20 कर लेंगे या इसके 20 का आसपास रहेंगे, यानी 15 ठो 18 ठो 20 ठो। अगर 20 ठो का ऑप्शन दिया है तो आप पूरे का पूरे 20 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे आप जो स्क्रीनशॉट ले करके भी जो आप पढ़ भी सकते हैं। ऐसे जानकारी हम आपको पूरी तरह से इसमें दे दिए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।